सिंधी समाज बांधवांकडून शालीय या धार्मिक उत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले जात आहे. मंदिरामध्ये भजन कीर्तनाच्या माध्यमातून उत्सवाचे महत्व द्विगुणित केले जात आहे. वाशीच्या झुलेलाल मंदिरात 24 ऑगस्ट पर्यंत धार्मिक कार्यक्रमाची रेलचेल सिंधी समाज बांधवांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. सोमवारी 15 ऑगस्ट रोजी आमदार मंदा म्हात्रे, भाजप नवी मुंबई अध्यक्ष रामचंद्र घरत यांसह भाजप नवी मुंबई समाजसेवा सेलचे अध्यक्ष नितीन कंधारी यांनी झुलेलाल मंदिरात खास भेट दिली आणि भक्तिभाव प्रकट केला. यावेळी भजन कीर्तनात सहभागी होऊन सर्व मान्यवरांनी धार्मिक श्रद्धा जोपासली. दरम्यान झुलेलाल मंदिर व्यवस्थापनाने सर्व मान्यवरांचा सत्कार केला. झुलेलाल मंदिराने सातत्याने सामाजिक योगदान देऊन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावल्याचे कौतुकोद्गार मान्यवरांनी काढले. ब्लड डोनेट कॅम्प आहे, बुक आहे, समाज की जो जो सुविधा के लिए गरीब लोगों की सेवा लोग करते हैं और इस ट्रस्ट को आज इतने साल हो गए और अच्छी अविरत सेवा यहाँ पर कर रहे हैं. और मंदिर में आपने देखा काफ़ी मूर्तियाँ हैं, हमारी दुर्गा माता की है, श्री कृष्ण जी की है, श्री राम जी है, तो पूरा काशी विश्वेश्वर यहाँ पर उन्होंने लाया है. तो दूसरी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. मुझे लगता है नवी मुंबई के लोग एक मंदिर में आ जाए तो पूरा काशी विश्वेश्वर यही मिल जाए. भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ और वाशी का. इस मंदिर में मैं बहुत बार आते रहता हूँ, बहुत सारी शादियाँ प्रोग्राम में आते रहता हूँ और झूलेलाल मंदिर से मेरा बहुत अच्छा गहरा रिश्ता है. बहुत सालों से इन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, इनके साथ बिजनेस करता हूँ, इनके साथ दोस्ती यारी करता हूँ और आज जो उन्होंने जो मेरे को यहाँ पे बुलाया, बुलाने के बाद एक आरती करने का जो मेरे को अवसर मिला, मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि बहुत बड़ी आरती मेरे को मिली. या संपूर्ण धार्मिक सोहळ्याचे महत्व नितीन कंधारी यांनी अधोरेखित केले. सारे कयो झुलेलाल बेड़ा ही पार. आज झुलेलाल मंदिर में चालिए का प्रोग्राम चालू है. ये प्रथा यहाँ से नहीं, जब अखंड भारत था सिंध से चली आ रही है. ये 40 दिन के उपवास सब सिंधी भाई रखते हैं और भगवान झूलेलाल को याद करते हैं और आज ये आरती अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा. सारे कयो झूलेलाल बेड़ा ही पार. नवी मुंबई आवाज़ ब्यूरो रिपोर्ट.